जय हो। श्रीमती बेगम अख्तर का नाम आते ही मैं तो अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बेगम अख्तर मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, उनका गाना मेरे लिए क्या चीज़ है। मैं तो उनके गाने में रास्ते में बैठ जाता था, स्कूल ही नहीं जाता। आज उनके बारे में मुझे कुछ उनके गाने के बारे में कहने का कुछ कहा गया है, मैं उनके गाने की क्या चर्चा करूँगा, क्या कहूँगा उनके बारे में। वो तो हमारे दिल में खूब ऐसे ही राज करती रहती है। उनका संगीत तो हमारे सर पे जादू की तरह चढ़ के बोलता है। तो मैं आज आपको श्रीमती बेगम अख्तर के बारे में उनके थोड़े से गाने से परिचित कराता हूँ। वो तो दुनिया की लाडली थी, कईयों की अम्मी थी, कईयों की बेगम अख्तर थी, कईयों की शहनशाह मलिकाए थी गाने की। तो आज मैं आपको उनके उनका गाया हुआ एक होरी ठुमरी सुनाता हूँ। कैसी ये धूम मचाई, आप सिर्फ देखिए कि कैसी धूम मचती है और कितनी खुशी खुशी वो गाती रहती हैं। उनके गाने में देखिए सब कुछ, सोच तो खैर है ही और अदाकारी देखिए किस प्रकार से वो गाने को खिलाती हैं। ये देखने ही देखने और सुनने वाली बात है। तो सुनिए कैसी ये धूम मचाई।
Thank you.
तबीयत इन दिनों बेगानाए गम होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। ये जिगर मुरादाबादी साहब की लिखी हुई गज़ल है और इसका अंदाज देखिए, जिन्होंने गम से ही दोस्ती कर ली है, क्या खूबसूरत अंदाज है। और उस अंदाज को बेगम साहिबा ने क्या खूबी निभाया है, इतना खूबसूरती से निभाया है बेगम साहिबा ने कि जिसको मैं कुछ भी अर्ज बयां नहीं कर सकता। मैं तो उनके गाने से बहुत बचपने से ही मुतासिर हूँ और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिन साहिबाओं ने बेगम साहिबा को अपनाया, उनकी गायकी को अपनाया, जो भी गज़ल गायक हैं वो आज हिंदुस्तान के सरताज हो गए हैं। तो सुनिए बेगम साहिबा को क्या खूबसूरत अंदाज से गाया है। जय हो। मगर आवाज़ें
अगर आवाज़े नौशानूश मध्यम होते जाती है मगर आवाज़े नौशानूश मध्यम कहिए साहब, कैसी है तबीयत? अभी आपने बेगम साहिबा को सुना। तबीयत इन दिनों बेगाने गम होती जाती है, कमाल है। उनका गाने का जो ढंग, जो अंग, एकदम शास्त्रीय संगीत को चिपका हुआ। ऐसा गजल गाना
सिर्फ उन्हीं का काम था। मैं फिर से कहता हूं कि आज का गायक जो भी उनके अंदाज से गजल गाएगा वो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सरताज हो सकता है। और अब मैं आपको उनकी एक दूसरी गजल सुनवाना चाहूंगा। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अजाब आए। इस गजल को मैं आपसे क्या कहूं, बड़ी खूबसूरती से अदा किया है। बेगम साहिबा के बारे में जो भी कुछ कहा जाए थोड़ा है, क्योंकि उनकी शख्सियत ही इतनी बड़ी थी, इतनी बुलंद थी कि उसके बारे में आप लिखते जाइए वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स। यह है बेगम साहिबा। बेगम अख्तर की गाई भी कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, वो तो शास्त्रीय संगीत का रंग लिए हुए होती है। उनका रंग कुछ अपने आप में इस प्रकार रंगीन था, और उनकी अदाकारी मुस्कुराते मुस्कुराते क्या प्यार से गाती है। जय हो। Na pa a
बेगम साहिबा हमारे घर आया करती थी। मेरे पूज्य गुरुजी पंडित मणिराम जी की बहुत निहायत ही उनकी सुंदर दोस्ती थी। दोनों कैप्स्टन सिगरेट पिया करते थे, चाय का प्याला रहा करता था और हारमोनियम सामने रहती थी। वो जब तब गाया करती थी, खूब मज़े में गाया करती थी। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि रात रात भर बस वो उनकी अपनी ही महफिल थी।
और मैं उनको जब भी अपने से करीब पाता तो सिर्फ निहारते रहता था, देखते रहता था कि इनके अंदर म्यूज़िक कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से है, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी म्यूज़िक संगीत थी। उर्दू शायरी में दो तरीके होते हैं, दो अंग माने जाते हैं, हम अंग वाले हैं ना, वो शास्त्रीय संगीत वाले, इसलिए अंग कह देंगे। एक इश्क हकीकी होता है और एक इश्क मिजाजी होता है। हकीकी का मतलब होता है कि अल्लाह से सीधा उसका रास्ता, अल्लाह से सीधा उसका वास्ता होता है, और इश्क मिजाजी वो होता है जो रूह इंसान से इंसान का जो इश्क होता है उसको कहते हैं। तो इन ये कोई भी है गज़ल ले लेती थी, अल्लाह से मिला देती थी, क्योंकि आदमी को पहले इश्क मिजाजी से शुरू करना पड़ता है, तब जाके वो इश्क हकीकी तक पहुंचता है। और वो तो पहुंची भी थी, ऐसी पहुंची भी कि जो भी गज़ल गाए तो अल्लाह से सीधा वास्ता बना लेती थी। वाह, अब मैं उनको क्या बताऊं, उनके बारे में क्या कहूं, जितना भी कहूं थोड़ा है। अब मैं आपको एक उनका गाया हुआ दादरा सुनाना चाहूंगा। कहती हैं कि ऐ बेदर्दी सपने में आ जा। अब ये जो बेदर्दी और सपने में आ जा, तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरे लिए गा रही है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि कभी तो वो दिख जाए, क्योंकि मैंने उनको बहुत देखा है, बहुत समझने की कोशिश की, आज तक नहीं समझ पाया। जय हो।
Yeah.
की।